जय श्री महाकाल, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल पर। मैं उड़ीसा के उंझर डिस्ट्रिक्ट हसनपुर गांव से 12 जुतले चार था साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। आज मेरे को घर से निकलते हुए 23 दिन हो गया, तो भाई 23 दिन मतलब 22 दिन का शाम को मेरे को ये बाइक मिले। अभी ये खड़ा है, अभी अपना साइकिल भी इधर है, उनका साइकिल वो है, मेरा साइकिल ये है, दोनों साइकिल ठीक यहीं पर खड़ी है। तो दोनों हम पूरा का पूरा तैयार हो गए, अपना साइकिल सामान और हम तीनों सब कुछ तैयार हो गया, हमारा रेडी सब कुछ हो गया। तो भाई अभी यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। अभी कल रात को हम आके सीतापुर में रुके थे, अभी हम सीतापुर में निकल रहे हैं, तो सुबह भी हो चुका है, लगभग 6:10 हो गया। तो अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं खाए हम लोग, मतलब अभी तो इतना सुबह में खाना कुछ नहीं मिलेगा, तो रास्ते में कुछ ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भी अपना पेट भाई कल से पूरा ख़राब है, मैं अपना पेट में थोड़ा सा भी दाना नहीं है, तो बहुत भूख लग रही है, बहुत कमज़ोर भी लग रही है। तो 4-5 बार मैं लाटिन जा चुका, तो इसलिए बहुत कमज़ोर लग रहा है। पता नहीं कैसा होगा अपना सफ़र और साइकिल के सफ़र कैसा होगा और कैसा झेलना पड़ेगा ये दिन। तो चलो भाई ज़्यादा देर नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। देखो भाई ये अपना साइकिल है, ये भैया की साइकिल है। तो अभी हमारे साथ हमारा साइकिल और सामान सब कुछ रेडी है, तो इनका थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा रास्ते में, और अपना भी थोड़ा कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ दिक्कत दे रही है। तो अभी तो सुबह सुबह हमने सब कुछ रेडी कर लिया, तो भगवान के शुक्र है कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ रात में सोने के लिए। तो चलो भाई हम यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अभी मैं मंदिर से निकाल के हम दोनों जा रहे हैं। तो भाई सच बोलूँ तो आज बहुत मज़ा आ रहा है, पहले अकेला सफ़र में था, अभी साथ में सफ़र में कोई एक भैया मिल गया तो भाई मज़ा आ रहा है भाई, इतना तो बोरिंग नहीं आ रहा है। और रास्ते में तो आज और मज़ा होगा, और कुछ दिखाएंगे और बहुत मज़े करेंगे आज। आज मेरा वीडियो बहुत लंबा भी आएगा भाई, तो वीडियो को स्क्रॉल मत करना, तो देख लेना। तो चलो भाई अभी हमें सीतापुर से निकल आ, तो एक भैया को मिले मेरे साथ रास्ते में, तो पैदल में जा रहे हैं, हम तो साइकिल में जा रहे हैं लेकिन ये भैया पैदल में जा रहे हैं। भाई कैसा भाई, और कहाँ से आ रहे हो? जय श्री राम भाई। गाजियाबाद जिला, गाजियाबाद जिला, गाजियाबाद। और कहाँ जा रहे हो? हम अयोध्या। अयोध्या? अयोध्या जा रहे हो, मतलब सिर्फ अयोध्या ना, और कहीं जाना है? तीनों जा रहे हैं। अरे यार कितना दिन हो गया आपको निकलते हुए? भाई आज 12 दिन। 12 दिन हो गया भाई, 6 ही पैदल जाने की भाई जा रहे हैं। अच्छा कुछ खाना वाना खाया है? खाना वाना अभी चाय में, सांझ में अब चाय वाय पी गए, सांझ में खाना खाएंगे। वो तीनों भाई भाई पैदल में जा रहे हैं, सिर्फ गाजियाबाद से अयोध्या, तो चाहे कोई भी हो पैदल में जा रहे हैं। पैदल में भाई बहुत तकलीफ मिलता है, लेकिन हम तो साइकिल में जा रहे हैं। चलो भाई बहुत खुश लगा भाई मिलके उनके साथ, ऐसे आदमी अभी तक तो नहीं मिला था। तो बस एक ही दोस्त मेरे को जो मिला था साइकिल में कल, और आज सुबह सुबह फिर वो भाई तीनों मिल गए पैदल में। तो भाई चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई बहुत भूख लग रही है, और आगे पीछे कोई दुकान वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, और आप लोग थोड़ा देख लो पीछे, तो उसको भी बहुत भूख लगी है, तो साइकिल चलाने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है। और ऐसे भी तो मेरा पेट खराब है कल से, तो भाई अपना पेट से कोई खाना वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत भूख लग रही है दोनों को। लेकिन आगे पीछे कोई रास्ता मतलब कुछ दुकान वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, कौन सा कोई बिस्किट चाय तो मिल जाए तो भी खा लेंगे कुछ भी, तो अभी तो कुछ नहीं मिला भाई। भाई अभी हमको भाई बुला रहे हैं डंडा खाने के लिए, तो हम थोड़ा डंडा वगैरह कुछ खा के चले जाएंगे, जो बुला रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेके जाएंगे। जी भैया एक पीस दे दो, कितना या क्या करेंगे? तो कहाँ तक का जी हो? चलो भाई यहाँ बैठ के है ना, हमको बुलाए तो डंडा बंडा सब कुछ दिया, हम भी डंडा बंडा सब खा लिए, तो मज़ा आ गया। अभी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला यार। आ गया रे यार। तो चलो भाई ऐसे तो बहुत लेट हो गया, तो भाई जब बुला रहे हैं तो डंडा खाने के लिए मना नहीं कर सकते, ऐसे भी तो भूख लग रहा था, ऐसे डंडे का रस खाने से थोड़ा पेट में तृप्ति आ जाएगा, इसलिए थोड़ा खाने के लिए चले गए थे। तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो भाई पता नहीं मेरे भाई अभी ये इतना बड़ा तूफान कहाँ से था, इतना तूफान आ गया भाई। अपना तो इतना शुक्र है कि हमको एक दुकान मिल गया था, बस हम रुकते ही बस तूफान स्टार्ट हो गया भाई। सच बोलूँ हम जहाँ पे खड़ी है तो हमारा सामने एक दुकान है, जिसका एडजस्ट वगैरह सब कुछ उड़ा के ले गया भाई। 2 मिनट का सफ़र था भाई, उसमें सब कुछ मतलब बिछड़ दिया, सबको दुकान वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, तो तोड़ के 1-2 मिनट में चला गया भाई। तो चलो भाई इतना तो भोले बाबा का शुक्र है हमारे पास, जो
अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आगे भी इतना तो भरोसा है कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। तो चलो भाई, हम तो अभी सेफ्टी में रुके हैं एक दुकान के अंदर में, अपना साइकिल भी सब कुछ अंदर में घुसा लिए। अभी मैं सर्जर कर्स करके जा रहा था तो बारह रास्ते में कुछ भाई लोग मिले, उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा हमारा साथ भी कुछ वीडियो वगैरह बना लो और अच्छा अच्छा बात भी करते हैं। ऐसे भाई लोग मिल जाते हैं तो भाई मैं पहले से बता रहा हूँ, बहुत सुकून लगता है और बहुत थोड़ा हिम्मत भी मिलता है। तो भाई थोड़ा अपना मेरे लिए कुछ बोलोगे आप लोग? भैया आप लोग इन लोग भैया को सपोर्ट करो, चार धाम की यात्रा पे निकले हुए हैं, केदारनाथ जाएंगे, उड़ीसा से आए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सबसे बड़ी बात है कि भाई ऐसे रास्ते में भाई लोग मिलते हैं ना, भाई सच बताएं दिल से बोल रहा हूँ भाई, बहुत सुकून लगता है और कुछ बात नहीं करते हैं ऐसे भी, हम बहुत मतलब मेहनत से जा रहे हैं, उस टाइम पे कुछ बात कर लेते हैं ना, लगता है चलो अपने इलाके में हम हैं, कोई दूसरा के इलाके में नहीं है। आप लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीछे तो हमारा दोस्त है काली, तो मिला था अभी, अब तक मेरा साथ है, पता नहीं अब एक दो दिन मिले रहेगा, उसके बाद फिर पिछड़ जाएगा, फिर हरिद्वार में फिर दोबारा मुलाकात होगा। तो चलो भाई बाय। अभी मैं आके शाहजहाँपुर पे आके पहुँच चुका हूँ हनुमान मंदिर पे। तो सच बोलूँ तो भाई इस हनुमान मंदिर पे बहुत बड़ा बिल्डिंग है जहाँ रहने का सब कुछ बंदोबस्त है। तो भाई चलो थोड़ा आप लोगों को मैं थोड़ा दिखाता हूँ। भाई यहाँ सच में तो बहुत रहने का बहुत मस्त बंदोबस्त है, तो बेड वगैरह रूम वगैरह सब कुछ देते हैं और फैन भी अच्छे से चालू होते हैं, अच्छे से सोने का भाई। आज तो बहुत दिन के बाद बेड में सोएंगे तो आराम से भाई आज सो जाएंगे। भाई आज थोड़ा शायद लगता है थोड़ा लंबा बेड बन जाएगा, तो फिर भी फिर से भाई मैं एक बात बताऊँ, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, अच्छे से कमेंट बना ताकि जिसकी वजह से हमको थोड़ा हौसला मिल सके और थोड़ा हिम्मत आ जाए। और भाई कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए कभी मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि अगला वीडियो आपको मोटिवेशन मिल सके। तो चलो भाई आज मेरा ये छोटा सा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री माता।